तो बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले दो चरणों का चुनाव जहां खत्म हुआ वो दंगाइयों से त्रस्त था, और तीसरे चरण में जहां चुनाव होना है खनन भूमाफिया डकैतों से त्रस्त रहते थे, जिस तरह योगी जी ने दंगाइयों से मुक्ति दिलाई उसी तरह खनन भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है। यूपी को नंबर एक का राज्य बनाने के लिए सभी की इच्छा है। महेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में राइफल बन रही है, लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, और दुश्मन को दहलाने वाले गोले भी उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आए और 8 अंतरदेश एयरपोर्ट्स का संचालन की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में केवल 2 एक्सप्रेसवे बने और बीजेपी सरकार में 5 एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, 3रे चरण का मतदान कल होगा, और दोनों चरणों के मतदान की स्थिति देखते हुए जिस तरह से विरोधी दल का नेतृत्व घबराया हुआ है, जिस तरह से उसकी भाषा में बौखलाहट प्रकट हो रही है, वह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का उत्तर प्रदेश में पुनर्प्रस्थापित होना सुनिश्चित है। अब की बार एक बार फिर 300 पार